नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर वन शो ताल ठोक के। शुरुआत हम करेंगे हमारी इस बहस की, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपके लिए, क्योंकि आज रात 8 बजे से जी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहस का नया शो कसम संविधान की, यानी जनता के मुद्दे रहेंगे और सियासत की जवाबदेही तय होगी। तो देखना ना भूले बहस का ये नया शो कसम संविधान की जी न्यूज पर रात 8 बजे। लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले 2023 में कई राज्यों में असेंबली इलेक्शंस हैं। एक तरह से 24 के सेमीफाइनल के तौर पर उन इलेक्शंस को देखा जा रहा है। इन्हीं में से एक राज्य होगा तेलंगाना। क्या लगता है आपको क्या होंगे चुनावी मुद्दे? सस्ती बिजली की बात होनी चाहिए, साफ पानी की बात, नौकरियों की बात, अच्छी सड़कों की बात। हो सकता है इन मुद्दों में से कोई भी मुद्दा ना हो। होने को तो मुद्दे कई हो सकते हैं, पर यह भी हो सकता है कि इनमें से किसी पर वोट भी ना पड़े और फाइनली क्या हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की कोशिश हो। कई बार राजनीति को भविष्य की बजाय इतिहास सूट करता है, जैसा कि आप कह सकते हैं इस वक्त भी हो रहा है। 1948 में सरदार पटेल के ऑपरेशन पोलो से जो निजाम घुटनों पर ला दिए गए, इतिहास में दफन कर दिए गए, वो निजाम इस वक्त हैदराबाद की राजनीति में इलेक्शन फैक्टर बनते दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है। 16 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी ने तिरंगा यात्रा निकालकर निजामों की ब्रांडिंग की, उन्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा, अपने दौर का दानवीर उन्हें बता दिया। तो 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में खड़े होकर कहा कि हैदराबाद की आजादी तो भी अधूरी है, निजाम और रजाकार भले ही ना बचे हों लेकिन उनके अंश भी बाकी। इशारा किसकी तरफ था आप समझ गए होंगे, इशारा था असदुद्दीन ओवैसी की तरफ। तो अब फिर ओवैसी ने काउंटर अटैक किया है, उन्होंने अपने ऊपर उठी उंगली को मुसलमानों पर उठी उंगली बता दिया है और ये कहा है कि मुसलमान तो 1857 में भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन आरएसएस पहले ये बताए कि 1947 से पहले आजादी की लड़ाई में आरएसएस कहां थी। तो पिछले 4 दिन की लड़ाई यूं तो ओवैसी वर्सेज अमित शाह दिखती है, लेकिन इसमें फ्लेवर निजाम वर्सेस स्वयं सेवक वाला है। पहले जल्दी से आप ये बयान सुनिए, फिर इनकी वजहों पर आते हैं, लेकिन पहले ये बयान फिर बहस भी। बीजेपी को मुगलों से नफरत है मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट। जब फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे नाथूराम गोडसे को और आपटे को, तो गोडसे ने अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम पढ़ा और कहा, गाना गाया, नमस्ते सदा वत्सले। अब यही नमस्ते सदा वत्सले आरएसएस के लोग अपनी रोज सुबह से शुरू करते। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो, अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। अरे तुम थे का बाबा, तुम तो चूहे की बिल में छुपे हुए थे, सांप की बिल में छुपे हुए थे। हम जब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना और रजाकारों को पुलिस एक्शन से परास्त करकर इस समग्र प्रदेश को आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया। आइए जोर से बोलो, भैरे हैं हम लोग, और जोर से नारा लगा के बोलो, भारत भारत। कुछ सुनाई नहीं देता उन लोगों को, खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माहिर है, जो आ गया व्हाट्सएप में पढ़ लेते। तो
मेहमान इस वक्त हमारे साथ अजय आलोक जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ हैं। हमारे साथ ज़ेबा यास्मीन है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मेरा पहला सवाल अजय आलोक जी आपसे है, और सवाल ये है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कहाँ थे चूहे के बिल में, सांप के बिल में, मुसलमान तो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मुसलमान तो हमेशा से थे, लेकिन चूहे के बिल में सांप के बिल में रहने वाले भी मुसलमान भी थे, शायद वो वैसे ही भूल गए। तभी आज निज़ाम की बात करते हुए वो निज़ाम को देशभक्त साबित करने पे लगे हुए हैं, और निज़ाम की रजाकार सेना तब विलय का विरोध कर रही थी, ये वो आज भूल जाते हैं कि इनके पिताजी भी, इनका पूरा खानदान भी उसी रजाकारों की मदद कर रहा था। आज समय आ गया है कि ऐसे बिल में छुपे रहने वाले चूहे और सांपों से मुक्ति पाने का समय आ गया है, और ये जब मुक्ति की आवाज़ उनके कानों में सुनाई देती है तो उनकी बौखलाहट साफ दिखती है। और अब मुक्ति कोई जंग से नहीं होगी, अब मुक्ति कोई गोली चला के नहीं होगी, अब मुक्ति वोट से होगी, क्योंकि हैदराबाद जाग गया है, तेलंगाना जाग गया है, तो स्वाभाविक है जो बचे खुचे राजाकार हैं उनसे मुक्ति मिलनी तय है, और इसीलिए बौखलाहट हो रही है और कोई बात नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब मुक्ति मिलने वाली है रजाकारों से और इसीलिए बौखलाए हुए हैं। ज़ेबा यास्मीन, ये इतिहास को लेकर लड़ाई क्यों हो रही है? इतिहास को ट्विस्ट करके राजनीति क्या साबित करना चाहती है? ज़ेबा यास्मीन, आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। देखिए अदिति जी, हमें लग रहा है कि मुद्दों से भटका के पास्ट हो या प्रेजेंट हो, हमें आगे का सोचना चाहिए और किसी भी कंट्रोवर्शियल या किसी भी विवादित टॉपिक पे नहीं बोलना चाहिए। और जिस तरीके की बातें हो रही है, मुझे लग रहा है कि आगे का सोचना ज्यादा बेहतर होगा। कौन क्या है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन नहीं है, ये हर व्यक्ति बेहतर जानता है। और देश में पहली बार ऐसी स्थिति आई है जब हर किसी को अपना राष्ट्रवादी होना प्रूफ करना पड़ रहा है, जो कि बहुत शर्म की बात है। कोई राष्ट्रवादी है ये वो खुद बता सकता है, और आप दूसरे को तो कभी नहीं बता सकते कि आप राष्ट्रवादी है नहीं है। बीजेपी और आरएसएस मैंने देखा है, उन्होंने ठेका ले रखा है सर्टिफिकेट बांटने का, बाकियों का तो नहीं जानती मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो आप ठेका कैसे देखती है? जरा वो रिएक्शन लेके आए असदुद्दीन ओवैसी का, मैम का एक कमेंट लेंगे। मैं देखिए, मैं ओवैसी साहब पे क्या करूं? नहीं नहीं मैम, आप राजनीति में तो हैं, आप राजनीति में तो हैं, उनकी बात स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। असदुद्दीन ओवैसी जब चूहे के बिल, सांप के बिल, हम कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखती हैं? फिर डू वी हैव एनी रिएक्शन? एक सेकंड रुक जाइए जी, चलाएं। याद रखो, हैदराबाद के बगैर भारत अधूरा है, और हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है। ये चीज समझने की जरूरत है। अब हमको, हम कब मुखालिफ थे? नहीं, जब 17 सितंबर ने मंजलिस बोलती नहीं मनाना, हम नहीं मनाना। अरे तुम थे का बाबा, तुम तो चूहे की बिल में छुपे हुए थे, सांप की बिल में छुपे हुए थे। हम जब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। जी ज़ेबा यास्मीन, देखिए अदिति जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूँ और हमारे लीडर, मैं मुझे पता है आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपका रिएक्शन मांग रही हूँ स्टेटमेंट पे। आपकी पार्टी इस तरह के स्टेटमेंट को कैसे देखती है? का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहा है और क्या समझ के बोल रहा है, उसके लिए समाजवादी पार्टी भाई मुस्लिम वोटों के लिए तो आप दोनों कम्पीट करते हैं ना उत्तर प्रदेश में। भारत के सारे मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव ओवैसी नहीं है, इसलिए उनकी किसी भी भाषा का, उनके किसी भी स्टेटमेंट का समाजवादी पार्टी जवाब नहीं देगी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। वारिस पठान ये कह रही हैं कि देश के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है असदुद्दीन ओवैसी, तो ये तो जरूरी भी नहीं समझते कि वो जो बातें गए उसका जवाब दिया जाए। नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा कि हम मुसलमानों के नेता है या लीडर है। हमने तो हमेशा ऐसे कहा है कि हम बिल्कुल मुसलमानों के हक की लड़ाई तो लड़ते हैं, साथ में मजलूमों की, हमारे दलित भाइयों की, हम तो सबके हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर आप खाली लेबल लगा रहे हो, लगाने दो लेबल को, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, जलसों में कौन कहता है मुसलमानों अपना नेता चुन लो? ये हम लेबल लगा रहे हैं आपको, कौन लगा रहा है जलसों में, कौन कहता है? अभी आपने दो असदुद्दीन ओवैसी कहता है ना वारिस पठान, भारत जिंदाबाद,
भारत जिंदाबाद इसके नारों से गूंजा पूरा हैदराबाद। असद ओवैसी साहब ने एक घंटे की स्पीच दी, धमाकेदार स्पीच दी, उसमें नारे भी लगे। नेशनल इंटीग्रेशन डे बन रहा था वहां पर, वहां पर असद साहब ने बहुत सारी बातें कही। आप एक ही पॉइंट को लेकर क्यों चल रहे? बहुत सारी बातें कि उन्होंने बताया कि ये लोग बीजेपी वालों को हमेशा से नफरत है, मुगलों से चिड़िया करिए मगर फिर भी ताजमहल देखते हैं। बीजेपी को नफरत है निजाम से, क्यों? निजाम वो इंसान थे। आदित्य जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1964 के अंदर जब वॉर हुआ, हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं था, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री गए निजाम साहब के पास। निजाम वाहिद वो शख्स थे पूरे देश के अंदर जिन्होंने 6 टन सोना दिया, हैदराबाद से ट्रकों में भर भर के सोना गया था दिल्ली। ये बात भाजपा वाले नहीं बताएंगे। अब चलिए बताइए, बीजेपी और आरएसएस वालों ने उस वक्त क्या दिया? 1 रुपया भी दिया था कि ये लोग तो लगे हुए थे ब्रिटिशरों के तलवे चाटने के अंदर, ये लोग तो माफीनामे पे माफीनामा देने के अंदर लगे हुए थे। और जब हम बात करते हैं किसी की अच्छी तो ये आ जाता है इल्जाम के बिल में छुप गए। वाकई में तो कहां थे बताइए मुझे, मैदान में थे क्या? जंग आजादी की लड़ाई में क्या इन्होंने अपनी जाने गंवाई? नहीं ना, आजादी की लड़ाई में तो हम लोग थे ना, हमारे दादाओं ने अपनी जान की आहुति दी, शहीद हुए, झाड़ों पर लाशें लटक रही थी, तब जाके हमारा महान भारत देश आजाद हुआ। और आज हम ही के ऊपर शक किया जा रहा है, हर बार हम ही को सेकंड ग्रेड सिटीजन बताया जा रहा है। हैदराबाद के निजाम को लेकर जो सवाल उठा, मेरा एक सवाल है उससे जुड़ा हुआ, मेरा उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दीजिए, उस सवाल का जवाब दीजिएगा। 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948 कहां थे हैदराबाद के निजाम? ऑपरेशन पोलो किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, उसके बारे में भी थोड़ा सा इतिहास का बोध मैं आपसे चाहूंगी वारिस पठान। नहीं नहीं, मैं आपको काउंटर सवाल करूंगा। 47 से लेकर 48 चलिए बताइए ना कहां थे भाजपा और आरएसएस वाले जो आज हमके हमारे ऊपर ताइद करते हैं। मैं काउंटर सवाल कर रहा हूं ना आपसे, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। नहीं थे ये लोग आदित्य जी, और आज आके हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो सबसे बड़ा खराब तो यही लग रहा है ना। और देश देख रहा है, जनता देख रही है किस तरह से भाजपा आके हर चीज का क्रेडिट लेने के अंदर मास्टरमाइंड बन गए। लेकिन जब आजादी की बात आई, नहीं जब हमारे देश के महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन का कत्ल कर दिया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा, उस देश का सबसे पहला आतंकवादी था, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो लोग, उसको तो ग्लोरीफाई करने की बात हो रही है। ये ऐतिहासिक डेट्स हैं। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, बता दे ये लोग कहाँ थे? वारिस पठान, आप एक इतिहास से जुड़े सवाल से भाग कर एक राजनीतिक सवाल कर रहे हैं। इतिहास से जुड़ा मेरा सवाल है, जब आप इतिहास की ही बात कर रहे हैं और आपने गिनाया कि कितना टन सोना इतिहास की बात ये दिया निजाम ने, ऐसे दिया वैसे दिया, मैं तो सिर्फ एक बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो किसने चलाया, क्यों चलाया, क्या आरोप लगते हैं उन 13 महीनों के भीतर वहां पर? भाजपा को पूछो कहां थे वो, आरएसएस के विचारक को पूछो कहां थे। हम तो पहले भी थे, आज भी, और इंशाअल्लाह मैं तो उनसे पूछ रही हूं जो निजाम को देशभक्त बता रहे हैं ना, मैं उनसे पूछूंगी। सबको लेकर चलते हैं और सबको लेकर चलेंगे। नहीं मैं तो सवाल है ना भाई, सवाल का जवाब देना पड़ेगा वारिस पठान। निजाम जिसने देश के लिए, देश की आजादी के लिए अपनी जाने का, मेरे सवाल का आप जवाब दे दो। भाजपा को सवाल करो कहां थे वो, कहां थे आरएसएस को सवाल करो। मैं सवाल का जवाब सोचकर रखिएगा क्योंकि सवाल में भूलूंगी नहीं, ये सवाल में भूलूंगी नहीं, ये हिस्टोरिक डेट्स हैं, इनसे कोई भाग नहीं सकता। मैं आपको बोल रहा हूं, इनसे कोई भाग नहीं सकता। जवाब दीजिए संजीव उनियाल, जल्दी से 40 सेकंड्स प्लीज जवाब लीजिए। बिल्कुल जवाब लीजिए, अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो टोटालिटी में बात कीजिएगा मुझसे, बिल्कुल टोटालिटी में बात कीजिएगा, कन्वीनियंस के हिसाब से इधर से तथ्य मत उठाइएगा वारिस पठान प्लीज, इधर उधर से तथ्य मत उठाइएगा, टोटालिटी में हिस्ट्री पर बात कीजिएगा। सवाल का जवाब दे रहा हूं प्लीज, ये वो है सिग्नेचर स्टेटमेंट, ये वो लाइन है जिस पर भड़क कर ओवैसी को आज आना पड़ा, किसके समकक्ष, परंतु जवाब क्या देगा, इस सांप का बिल और बिच्छू का बिल। परंतु स्टेटमेंट का जो फैक्चुअल बात है इसको भी एडमिट करा इन्होंने, अभी आपने देखा, यह बिल्कुल सच बात है कि जब पूरा देश स्वतंत्रता मना रहा था, उसमें झूम रहा था, मिठाइयां बांट रहा था, नगाड़ा बजा रहा था, कब? 15 अगस्त 1947 से 13 महीने तक की वो अवधि जिसमें निजाम ने कहा नहीं मैं बिल्कुल छाती पर मूंग दलूंगा, जिस निजाम की बात करते हैं, मैं इस देश के साथ स्वतंत्रता नहीं मनाऊंगा, मैं उस देश के साथ अपने नक्शे में अपने आप को सम्मिलित नहीं करूंगा। और बाद में लातों के भूत
बड़ी 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 भाषा कर रहा हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब आक्रमण के लिए सरदार पटेल की सेना, हमारे देश की सेना वहां बड़ी और उन्होंने उन पर अटैक किया और पोलो किया, तो देखिए घुटनों के बल आ गए, आज आंखें दिखाते हैं, आज बिलों की बात करते हैं, तब कहां बिलों में घुस गए थे। वास्तव में सच्चाई है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, जिससे कि छुप कर भागना चाहते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए, आपको बताना पड़ेगा राष्ट्रीय संघ लगातार पठान की आवाज प्लीज। अनुशीलन समिति में भारत छोड़ो जवाब ले लीजिए संजीव उनियाल जी। बारिश पठान और लगातार कोकई के नाम से जाने वाले डॉक्टर, अरे संजीव उनियाल, संजीव उनियाल आपने इतना बड़ा कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, सही बात है, आप ही वो लोग थे जो भाजपा के तलवे चाट रहे थे। और माफीनामे कौन लिख के दे रहा था? सावरकर लिख के दे रहा था ना। क्या क्या था सावरकर ने देश की आजादी के वक्त? कितने टन सोना दे दिया था आरएसएस और बीजेपी ने देश के लिए, बताइए। अरे 52 साल तक तो हमारे तिरंगे का अपमान करते आए, हमारा तिरंगा क्यों नहीं लहराते थे आप नागपुर के अपने हेडक्वार्टर के ऊपर? उनियाल जी वो भी बता दीजिए, देश जाना जाता है क्योंकि हमारा तिरंगा आपके लिए अशुभ था, आपके लिए भगवा रंग शुभ था, आपने नहीं माना। तो तिरंगे को नहीं माना, हमारे राष्ट्र हमारे आपके नागपुर के हेडक्वार्टर पर तिरंगे को नहीं लहराया, देश की आजादी में कोई सहयोग नहीं किया, ब्रिटिशरों के तलवे चाटते रहे, आज आप आके हमको सेक्युलरिज्म नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हो। ये तो देश आपको लात मार रहा है, ये देश की लात आपको पड़ने, और ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आपने सही कहा, तथ्य से मानेंगे, फैक्ट से मानेंगे, हकीकत से तरीके से भी बात की जा सकती है, हकीकत बताएंगे तरीके से, तार्किक तौर पर बात की जा सकती है। वारिस पठान, किस तरह की भाषा का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे पहले क्या शब्दों की इतनी कंगाली है क्या? उन्होंने कहा ना लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। जो मेरा सवाल था, जो मेरा सवाल था उस जवाब पर आइए, बातों से नहीं मानेंगे। सुनिए मेरी बात, जो मेरा सवाल था उस पर आइए। 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948 निजाम क्या था बताइए बस। हम तो वही थे, अरे मैं तो पूछ अच्छा, आप निजाम है तो मुझे आप इसका जवाब दो फिर। नहीं नहीं, आप अपने आप को निजाम मानते हैं? यही तो आप इच्छा कह रहे थे, मैं तो बोल रहा हूँ ना। नहीं, आप अपने आप को निजाम मानते हैं? ये तो आप पर पॉलिटिकल आरोप लग रहा था, मैं मान लूं जो अमित शाह कह रहे थे वो आरोप एकदम सही है। नहीं, अमित शाह हमको निजाम बोलेंगे, अमित शाह हमको सब बोलेंगे, लेकिन अमित शाह के बेटे क्रिकेट मैच देखते वक्त कोई अपना तिरंगा देता है तो बेचारे हाथ में भी नहीं रहते। खैर उनका कसूर नहीं है, वो तो बच्चे हैं, उनका क्या लेना देना है। तो अमित शाह की बात तो जाने, आप उनके बेटे पर चले गए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ निजाम पर, बताइए ना, तार्किक तौर पर मुझसे बात कर सकते हैं, किसी की फैमिली पर जाने की क्या जरूरत है? अमित शाह की बात कर रहे हो तो आप निजाम पे चले गए। अरे तो आप पर पॉलिटिकल आरोप लगा, आपने कहा हम निजाम है, आप ही ने कहा ना भाई, जिसके बाद मैंने सवाल पूछा, जिसके बाद मैंने सवाल पूछा, मैंने तो आपको निजाम नहीं कहा था, मैंने तो निजाम के इतिहास की बात की थी आपसे, आपने आपने कहा कि हम निजाम है, तो सवाल पूछा आपसे, जवाब दीजिए मुझे। हाँ, मैंने आपको निजाम का एक वाकया बताया 1964 में क्या किया, निजाम ही वो शख्स थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948 की बात कर रहे हैं। ये आप हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो आप उसको पता चल जाएगा आपको, ये भी निजाम ने हिंदू मंदिरों के लिए भी बहुत डोनेशन दिया है, बहुत दान दिया है, मगर ये लोग नहीं बताएंगे आपको ये वाली बात। अब जब निजाम के वक्त पे जो उनके मिनिस्टर थे वो तो नॉन मुस्लिम थे ना, जब हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के रह रहे थे, एक ही तरफ एक ही साथ हाथ बांध के घूमते थे, ये तो ये आरएसएस और भाजपा ने आके नफरत का माहौल क्रिएट कर दिया, पूरे देश में अराजकता फैला दी, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ नफरत की ही बुनियाद पर चलती है। की बस एक समुदाय को टारगेट करो, मौजूदा दौर में आगे बढ़ाते रहो, मौजूदा दौर में देश की जनता। बताइए 2 साल पहले हैदराबाद नगर निगम में जब चुनाव हुए, मैं तो मौजूदा दौर में रहूंगा। कहां पे? जब नगर निगम के चुनाव हुए तो बीजेपी ने वहां पर फाइट पुटअप की, ठीक है, बीजेपी की उम्मीदें वहां से जगी। अब बीजेपी उसी टेम्पो को आगे ले जाना चाहती है 2023 में भाग्य नगर में, उसकी कोशिश है कि उसका भाग्य उदय हो जाए। अब इसी का दूसरा पहलू यह है कि बीजेपी की इस फाइट से डेंट किसको होगा? भाग्यनगर असदुद्दीन ओवैसी को डेंट नहीं होगा, टीआरएस को डेंट होगा। सुनिए ना ना, आप इस पॉलिटिक्स को भी डिकोड करने दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ओवैसी घाटे में नहीं जाएंगे, कौन घाटे में जाएगा? टीआरएस। और इसीलिए बीजेपी वर्सेस एआईएम या अमित शाह वर्सेस ओवैसी या निजाम वर्सेस स्वयं सेवक की लड़ाई आप दोनों को सूट करती है, इसीलिए लड़ रहे हैं आप दोनों।
हम तो वहां पे पहले से लड़ते आ रहे हैं, हम तो 52 साल से वहां पे चुनाव लड़ते आ रहे हैं, एमपी बने, साथ साथ एमएलए। लेकिन आपको किसने बोल दिया कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर हो गया है? अभी तक तो हैदराबाद और तेलंगाना आप अपना मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए सर, मजबूत है। हाँ हाँ ठीक है, मुद्दे पर रहिए आप, मुद्दे पर रहिए। और मुझे ये बता दीजिए 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948 के बीच भाग्यनगर का नाम लिया, मैं यही सवाल कर रहा हूं आपसे, 1947 से 1948 तक भाजपा और आरएसएस कहां था? सवाल का मेरे को जवाब दे दो, मैं बता दूंगा मैं कहां था, निजाम कहां थे उस समय। थी मैं तो पैदा नहीं हुआ था ना, ना बीजेपी उस समय मैं थी तो पैदा नहीं हुआ था। नहीं नहीं भाई, वही मैं पूछ रही, बीजेपी पैदा हो गई थी क्या उस समय? ये बताइए पहले मुझे, ये सावरकर बीजेपी आरएसएस का क्या लगता है? सुनिए, आरएसएस क्या लगता है आप बताइए ना मुझे, आरएसएस जो निजाम था जिनकी आप दुहाई दे रहे हैं, विचारधारा तो उन्हीं की है ना, इतिहास क्या था ना, जवाब नहीं देंगे। अजय कुमार दे रही, बताइए ठीक है, अजय आलोक से जवाब ले लीजिए प्लीज, अजय आलोक से जवाब ले लीजिए, बार बार आप हाथ उठा रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लीजिए जवाब। मैं वारिस पठान जी से पूछना चाहता हूँ कि 1964 में निजाम ने अगर 6 टन सोना दिया था जो ये बता रहे हैं, तो निजाम के अब्बा का सोना था, इसी देश का सोना था, इसी देश के गरीब लोगों पर जुल्म करके वो सोना लूटा गया था। और 47 से 48 तक जाती है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये इसलिए नहीं जवाब दे रहे हैं क्योंकि उस वक्त रजाकारों की जो सेना थी उसने नौखालिया नरसंहार किया था, 5,000 से ऊपर हिंदुओं को काट दिया था वहां रजाकारों की सेना ने। ये बोलते हुए जुबान में दही जम रही है। अरे चार तरह के रजाकार थे, सुनिए, एक इस्लामिक रजाकार जो लड़ाई कर रहे थे, दूसरे कम्युनिस्ट कांग्रेस रजाकार जो गांव में जाके जुल्म करते थे, और तीसरे आपके जैसे रजाकार हिंदू कन्वर्टेड मुसलमान रजाकार। इन्हीं रजाकारों से मुक्ति पानी है जो आज आप लोग बिल में घुस गए हैं। निजाम ने सोना दिया था, इस देश के राजाओं ने लगता है, निजामों ने लगता है कि ऊपर से लिखवा के सोना लेके आए थे कि उनके पास रखा, इसी देश का सोना था जो लूटा जनता से। बोलने में शर्म आती है, नौखालिया नरसंहार किया था 13 महीने में, इसलिए सरदार पटेल चढ़े थे, हिंदुओं को काट रहे थे आप लोग, 5,000 हिंदुओं से ज्यादा परिवार को मार दिया, 2,50,000। और सुनिए इन नकली रजाकार कांग्रेस रजाकारों की कारस्थानी, सुंदरलाल कमेटी बनाई गई इसी हत्याकांड की जांच करने के लिए, कमिटी बनाई गई 1948 में हैदराबाद एक्सेशन के बाद, लेकिन कमिटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई 2014 में, उतने दिन तक इस कमिटी को लकवा लगा हुआ था। ये है नकली रजाकार इस देश के, जिनको निकालना बहुत जरूरी है। अब यही अमित शाह कह रहे थे कि ऐसे ऐसे नकली रजाकार जो बचे हुए हैं उनको सांप बिलों से निकाल कर ढूंढेंगे, खत्म रजाकार। ठीक है, जवाब ले लीजिए वारिस पठान, हो गया हो तो मैं बात जवाब दे दूं। हां बोलिए, जवाब दीजिए। अभी अजय आलोक ने चलो ये बात तो माना कि 1964 में निजाम ने 6 टन सोना दिया, भारत को दिया। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अगर दिया था तो बड़े क्या बड़े उनके कहां से लाए थे? क्यों नहीं गलत सोना था अगर दिया भी था? सुनिए, कई दिया ना जो दूसरों के पास था वो कहां से लाए थे? सोना जमा किया क्या किसी ने अपने जेब में हाथ डाला? नहीं डाला। अब बात नंबर दो, लूट के सोना जमा किया था। अभी अपने रजाकारों की बात की तो सुनिए बात, पर्सिया से सोना नहीं आया था निजाम के? थे ना रजाकार जो थे वो चले गए, ये रजाकार रजाकार नहीं चले गए, आपके जैसे नकली रजाकारों को कांग्रेस रजाकारों को छोड़ गए बैठे हुए हैं, और आपके जैसे नकली रजाकारों को कांग्रेस रजाकारों को कम्युनिस्ट रजाकारों को छोड़ गए, मोदी को जवाब दे रहे हैं, जाके पढ़ लीजिएगा कितने तरह के रजाकार चलेगा। आलोक जी आप तो उस वक्त भी इन रजाकारों को चलाने के लिए आप ही की पार्टी थी, नहीं बोला मैं तो समझ रहा था कि आप कितने तमीज वाले, पार्टी चला रही थी रजाकारों को जो निजाम ने बनाया। आलोक जी उनको बात पूरी कर लेने दीजिए सर, उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी प्लीज। अच्छा देखिए, अभी जब अजय आलोक बोल रहे थे मैं तो खामोशी के साथ ठीक है, मैंने उन्हें बता दिया, अब आप मुद्दे पर आइए। मगर अब जब मैं बात रख रहा हूँ समझदारी की, हाँ, तो आप मुद्दे पर आइए, जो बात रखना चाह रहे हैं। ऐसा सुना है कि जिसके पास तख्तियां नहीं होते वो बीच बीच में उनको नोक झोंक करने की आदत होती है। चलिए मुद्दे पर आ जाइए, अभी आपने 10 सेकंड और वेस्ट कर दिए। आदत है, सुधर जाएगी। रजाकार जो थे आदित्य जी वो चले गए पाकिस्तान में, और जो वफादार थे वो हिंदुस्तान में रह गए। उसमें से एक वारिस पठान भी है, आपके चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहा हूं, और बीजेपी को पूरी तरह एक्सपोज करते हैं हम लोग रोज। भाजपा आरएसएस का जो एजेंडा है हमारे देश के अंदर नफरत फैलाना, उसके खिलाफ हम मुखालिफत करते हैं, और इनका मुंह काला करके पूरे देश को दिखाते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं हम। चले गए जिनको यार नहीं है उनको पकड़ के रखेंगे। अरे 2022 आ गया अजय आलोक, 24 आने वाला है, संभालो, हवा तेज चल रहा है, कभी भी भाजपा जा सकता है।
क्योंकि तुमने काम तो कुछ किया नहीं है, तुमने सिर्फ नफरत फैलाया, राम जी के नाम पे मंदिर बनाया, राम जी के नाम पे गल्ले में घफला कर दिया, ट्रस्ट के अंदर ही पैसों का घफला कर दिया आप लोगों ने। अरे शर्म करो, मेरे हिंदू दोस्त मुझे फोन कर करके बोल रहे वारिस भाई क्या हो गया ये, हमने तो राम जी के नाम पे चंदा दिया, ये लोग तो उसी के अंदर घोटालाबाजी करने लग गए। मैं बोला ये तो ऐसे ही है, इनको तो आदत ही है लूटना। अब सुनिए आलोक जी, जब भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं बचते ना, ये हिस्ट्री आप भी उठा के देख लीजिए, आप तो डॉक्टर हैं। अरे तो निजाम को सर्टिफिकेट कौन दे रहा है भाई? जीत रजाकार निजाम को सर्टिफिकेट वारिस पठान कौन दे रहा है? सर्टिफिकेट तो अमित शाह दे रहे हैं। ना ना सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हैं, लग रहा है आदित्य जी सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हैं। हिस्ट्री ने जो निजाम का चेहरा दिखाया और जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, उन दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है भाई। उन दोनों में, दोनों चेहरों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं तो बता रहा हूं निजाम अभी तक आपने मुझे बताया नहीं। 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948 सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने बार बार वो सवाल पूछा आपसे। 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948 हैदराबाद कहाँ था? हैदराबाद के निजाम का क्या स्टैंड था? हैदराबाद में क्या चल रहा था? बस इतना सवाल है मेरा। 1947 से 1948 तक आरएसएस कहाँ था? सावरकर क्या कर रहा था? गोवलकर क्या कर रहे अच्छा, थे? किस किस से माफी मांग रहे थे? किस किस से लड़ने की बात कर रहे थे? जवाब दे दो। आप जाकर छिपेंगे आरएसएस के पीछे, जवाब दो मुझे। नहीं नहीं, आपका डिफेंस है आरएसएस सर। मुझे बिल्कुल लगेंगे आपने कहा जवाब दे नहीं पा रहे। की बात बताया, इनडिफेंसिबल हिस्ट्री अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। हिस्ट्री के तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने के बावजूद डेट्स बहुत कुछ कह रही हैं, और इन डेट में ही सवाल छिपा हुआ है। 15 अगस्त 1947 सितंबर 1948 और इन सब के बीच में ऑपरेशन पोलो। आपसे उस जवाब देते नहीं बन पा रहा है, अब जवाब नहीं दे पा रहे। फिर आप ये कहते हैं हम कल भी थे, हम आज भी, और कल भी फेल हो गई। अरे कोई बात नहीं सर, आप मुझे छोड़ दीजिए मुद्दे पर। ये सियासत में तेलंगाना में वोट आपको, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेलंगाना में वोट अदिति त्यागी के दम पर नहीं मिलेगा, तो मुद्दे को एड्रेस कीजिए। अच्छा, अदिति त्यागी जी एंकर बनते बनते साइकेट्रिस्ट बनने लगी, माइंड रीड करने लगी, जिसमें टोटल फेल हो गई अदिति त्यागी। हमको मालूम है हैदराबाद, हम आप इतिहास पढ़ लीजिए, मुझे साइकेट्रिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आई नो आई डू अ गुड जॉब एज अ मॉडरेटर। काम किया है, काम किया हैदराबाद में। आप चलिए अदिति जी, एक मर्तबा आपको हैदराबाद लेके जाएंगे, हैदराबाद में दिखाएंगे हमारा काम। हमने जो स्कूलें बनाई है, जहां पर आज की तारीख में 40,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हिंदू भाई बहनों के बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं, और ऐसी स्कूलें जो आपने हिंदुस्तान में नहीं देखी होगी। आइए मेरे साथ, मैं आपको हैदराबाद में हमारी पार्टी का ओवेसी हॉस्पिटल दिखाऊंगा, आसरा हॉस्पिटल दिखाऊंगा, जहां पर 30 रुपए में आप कार्ड ले लो। प्रमोशनल कैंपेन पर लेकर चलूंगा, बताइए। तो ये काम करेंगे तो वोट मिलेगा। हिंदू मुसलमान भाजपा को मुबारक। ना मुझे वहां वीजा लगता है जाने के लिए, ना मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत है। कई बार जा चुकी हूं मैं हैदराबाद, तो उसके लिए मुझे किसी के इनवाइट की जरूरत भी नहीं है, और किसी को प्रमोट करने की भी जरूरत नहीं। जवाब लीजिएगा अजय आलोक, हमने कितनी जोर तोड़ से बनाए, कितनी जोरों से बनाया नेशनल इंटीग्रेशन डे 17 सितंबर। ठीक, जवाब लीजिए अजय आलोक से, जवाब लीजिए। हजारों तिरंगे झंडे मेरे लहराते हुए अजय आलोक, वारिस पठान जी के पास कोई जवाब नहीं है। वारिस पठान जी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनको खुद हैदराबाद की इतिहास से ये परिचित नहीं है अच्छी तरह से। ये महाराष्ट्र से आते हैं ना, इसलिए इनको हैदराबाद के इतिहास से परिचय नहीं है कि 1947-47 में क्या हुआ था, रजाकार की सेना कौन बनाई थी, पहले सेनापति के कौन थे, निजाम ने क्यों ये सेना बनाई थी, कितने तरह के रजाकार थे, क्या इन्होंने किया। आप बिहार से, इतनी एट्रोसिटीज, लगभग 5,000 ऊपर से हिंदू परिवारों का कत्लेआम किया गया था इस 18 महीने के अंदर में, इसकी जानकारी नहीं है इनको। लेकिन इनको अगर समझाने लगेगा तो ये कहेंगे आरएसएस। तो आपको बता रहा हूँ, आरएसएस निजाम के टाइम में आरएसएस हमेशा था, बड़े थे, आरएसएस अपना काम करना था, आरएसएस कत्लेआम नहीं करता था। अगर आरएसएस, एक मिनट, रजाकार सेना की तरह अगर आरएसएस कत्लेआम करता ना, आज मुसलमान नहीं रहते। अगर आप जो आज इस थ्योरी में आप लगा रहे हैं, आरएसएस ने हमेशा देश निर्माण की बात की है, आरएसएस ने हमेशा देश को जोड़ने की बात की है, और आप लोग जैसे लोग देश को हमेशा तोड़ने की बात किए जा रहे थे। और ये मुझे कह रहे थे ना कि 24 आने वाला है, हवा बह रही है तो हवा तेज चलती है, तो ओवैसी साहब को कहो टोपी संभाल के रखेंगे, उड़ जाएगी इस बार हैदराबाद में। ओवैसी साहब को बोलिए हवा तेज चलती है, टोपी संभाल के रखें, हैदराबाद में उड़ने वाली है। बोल रहा हूँ
मैं तो भाजपा को बोल रहा हूँ टोपी संभालो, ओवैसी साहब को बोलिए हवा तेज चल रही है, कुर्ता भी संभालो, टोपी उड़ जाएगी, पब्लिक है, पब्लिक भड़क गई है, हवा तेज चल रहा है, उड़ जाएगा अजय आलोक, इस बार नहीं, इस बार कुछ नहीं चलेगा, इस बार नहीं चलेगा, अजय आलोक उड़ जाएगा, भाजपा नहीं चलेगा, ओवैसी को बोलो भाजपा का कमल जाने वाला है, और हैदराबाद में आपकी दाल नहीं गलने वाला है, हैदराबाद की आवाम पूरी तरह से सलाह है, मानना है, पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल है, वो समझती है कौन सी पार्टी या फिर राजनीति करना चाहती है। नहीं, एक सेकंड, आप क्या कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल है तो मतलब आप क्या कर रहे हैं कि बाकी देश की जनता जो है उसको कुछ समझ नहीं आता है। नहीं नहीं, एक सेकंड, इस पर मुझे बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन है। आपने कैसे कहा, आप क्या कह रहे हैं कि वहाँ हैदराबाद में दाल निकलेगी क्योंकि वहाँ की जनता इंटेलेक्चुअल है, तो बाकी देश में जनता आपको क्या लग रही है, बाकी देश में जनता आपको लग रहा है कि उसको समझ नहीं है, उसमें राजनीतिक परिपक्वता नहीं है? सर, आप वोटर को क्वेश्चन कर रहे हैं, वोटर को क्वेश्चन कर रहे हैं। हैदराबाद पूरे सुनिए, हैदराबाद में चुनाव है ना, हैदराबाद की जनता भी इंटेलेक्चुअल है, पूरी देश की जनता इंटेलेक्चुअल है, और ये हवा तेज चल रहा है, लोगों का उड़ जाएगा अभी सब। नहीं नहीं, ये जरूरी है आप लोग समझें कि जनता जो है वो परिपक्व है, उसे अपनी चॉइसेस भी पता है, उसे अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं वो भी आता है। 300 MLA खरीद लिए, नहीं नहीं, अब आपने 300 MLA खरीद लिए, देश की जनता के पैसे से चेंज कर रहे हैं, कहां से पैसा लाइए वाला आदित्य त्यागी जी, अभी तक आपने लाखों रुपया नहीं, करोड़ों में, महाराष्ट्र में 50 करोड़, दिल्ली में 20 करोड़, अब महाराष्ट्र थोड़ी देर पहले हैदराबाद की जनता की बात कर रहे थे, उन्हें इंटेलेक्चुअल बता रहे थे, हैदराबाद के चुनाव की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र पर आ गए। सर, आप एक मुद्दा तो डिसाइड कीजिए, एक मुद्दा तो डिसाइड कर लीजिए, इतनी कंफ्यूजन क्यों आपको, जनता देख रही है, कोई डिफेंस नहीं बजा, जनता तो देख ही रही है, जनता तो देख ही रही है कि हैदराबाद से आप महाराष्ट्र चले गए, जनता देख रही है, हैदराबाद से आप स्वयं सेवक संघ पर चले गए, जनता देख रही है, बिल्कुल देख रही है, और हैदराबाद के निजाम से आपके पास कोई जवाब नहीं है। 15 अगस्त 1947 से लेकर सितंबर 1948 को लेकर आपके पास इस पीरियड के दौरान, इन हिस्टोरिक डेट्स के बीच आपके पास कोई जवाब नहीं है। सर, नहीं, आपने बताया कि हैदराबाद की बात करते करते महाराष्ट्र चले गए, तो आपका चैनल क्या खाली हैदराबाद में लोग देखते हैं? आदित्य जी, ऐसी बात है तो बताइए, आपका चैनल तो महाराष्ट्र में भी देख रहे हो। सर, वैसे ही बैठे, आप अपनी गलती छिपाने के लिए लखनऊ तर्क का कुतर्क मत कीजिएगा। सब सब जगह ये चैनल जो है ना, सिर्फ भारत में 150+ कंट्रीज में देखा जाता है, तो तर्क का कुतर्क बिल्कुल मत कीजिएगा। करोड़ों चाहने वाले हैं, हमारे दर्शक हमारी ताकत हैं, उसके लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट, लोग सो रहे हैं, ध्यान से सुनिए, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दर्शकों का सर्टिफिकेट लेती हूँ, ठीक है? आप मुद्दे पर आइए और एक्सप्लेन कीजिए, 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948 के बीच निजाम की देशभक्ति के कुछ सबूत अगर आप रख देंगे तो ये डिबेट सेटल हो जाएगी। मैं ये कह रही हूँ, ये मौका दे रही हूँ आपको जी न्यूज पर, मैं सेटल ही कर रहा हूँ डिबेट। मैं 15 अगस्त 1947 से 48 तक भाजपा आरएसएस अपने सब रख देगी तो डिबेट पूरी तरह सेटल हो जाएगी। आरएसएस कहां था मुझे जवाब दो, और क्या कर रहा था उस वक्त मुझे बता दो, मैं खामोश बैठ जाऊंगा। रंजय उनियाल जी तो बैठे हुए ना आरएसएस के, इतने बड़े प्रचारक, इन्हीं का एक आदमी बोला, इन्हीं का 25 साल वाला आदमी बोला आरएसएस में तो बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और काफी सारे जो ब्लास्ट हुए हिंदुस्तान में आरएसएस ने किए हैं, इन्हीं का आदमी बोला, मैंने नहीं बोला, और एफिडेविट डाला है कोर्ट में, एफिडेविट फाइल किया, उनियाल जी बना कर दे, गलत बोल दे, कल कोर्ट से इनको आ जाएगा सम्मन, विटनेस बन जाएंगे झूठ बोलने के केस के अंदर, तो इनके खिलाफ जरा कुछ कार्रवाई करिए आदित्य जी, थोड़ा बनिए बिंदास, डरने की क्या बात है? अरे सत्ता है, आज कल चले जाएगी, डरने का नहीं, सवाल करिए इनसे, सवाल करिए, कहां थे लोग, चलिए करिए सवाल, आदित्य जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, सवाल करिए बिंदास। नहीं नहीं, आपने जो सवाल पूछा है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है बिंदास, सवाल करिए आदित्य जी, आपके परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे, फिर तो ये सवाल पूछना पड़ेगा इतिहास में सबसे, जिन्होंने आरएसएस की तारीफ की है, सुनिए, जिन्होंने आरएसएस की तारीफ की है, फिर सवाल उनसे भी पूछना पड़ेगा जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में निजाम को नहीं बुलाया लेकिन आरएसएस को बुला लिया, तो सवाल तो इतिहास में कई पार्टियों से, कई स्टेक होल्डर से पूछना पड़ेगा, लेकिन आपसे जो सवाल है, हैदराबाद, निजाम, निजाम की देशभक्ति, निजाम का योगदान, निजाम दानवीर, उस पर आप पिछले 40 मिनट से 35 मिनट से चलिए जवाब नहीं दे पा रहे, उम्मीद है अगले 5 मिनट में जरूर दे देंगे, जैसे ही संजीव उनियाल आपको जवाब देंगे। मैं तीन चार बातें, आदित्य जी आप जवाब सुनिए, वारिस पठान जवाब देके जाइए, ये जवाब आपको देना पड़ेगा, संजीव उनियाल का जवाब सुनिए, वारिस पठान जवाब दीजिए, वारिस पठान 30 सेकंड सुनिए, फिर आप बीच में बोलने लगते हैं। मैं आपको निकाल रहा हूँ, एस्केप रूट दे रहा हूँ, जो कि आदित्य आपको लगातार जो है घेरे हुए हैं, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ
कि आदिति जी ने एक प्रश्न किया अमित शाह के माध्यम से, एक स्टेटमेंट आई, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ उसके बाद 13 महीने तक निजाम ने इतने खतरनाक कार्य किए, कुओं में 300 लोगों को डाल दिया, उसमें केरोसिन डाल के उनको जला दिया, 5000 परिवारों को विस्थापित कर दिया, उनको लगातार मारकाट करते रहे 13 महीने तक, मानचित्र में आने के लिए तैयार नहीं हुए निजाम, उनका तुमसे क्या लिंक है, कोई संबंध नहीं है तुम्हारा, और तुम उस संबंध को कहां निकाल रहे हो, एक राष्ट्रीय समसेवक संघ के साथ, वो तो हिस्टोरिकल ट्रुथ है ना, हिस्टोरिकल ट्रुथ से तुम्हारा क्या संबंध है उसको बताइए। हाँ, ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है अदिति, और मैं आज दर्शकों के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि हाँ हिस्टोरिकल ट्रुथ है, आप ये बात मान लीजिए। मैं तीन बातें कहूंगा, 1947 में विभाजन के समय जब द्वितीय सरसंघ चालक थे तो उन्होंने लगातार अपने सुपरविजन में हिंदुओं को लगातार बचाने का जो कार्य किया वो हिस्टोरिकल ट्रुथ है। 1962 में जो चाइना की वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सराहनीय काम किया, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उनको 26 जनवरी की परेड में आरएसएस की टुकड़ी को सम्मिलित करने का जबरदस्त जो है मौका दिया, और एकनाथ नानाडे ने जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे उन्होंने जब कन्याकुमारी में विवेकानंद करने जवाहरलाल नेहरू गए, हिस्टोरिकल ट्रुथ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ये कर रहे थे। परंतु बात अभी जो की त्यों है, पतनाला क्यों भरा आप ये बताओ, निजाम 13 महीने तक नरसंहार हिंदुओं का क्यों करता रहा, और जब उस पर अटैक करने के लिए फौज आई भारतीय तो काबू में क्यों आए, इस बात का जवाब दीजिए। तिरंगे का अपमान किया आपने, आप जवाब दीजिए, भारतवान मेरे तिरंगे का अपमान, आप ये जवाब दीजिए कि भारत वर्ष में सम्मिलित होने के लिए निजाम तैयार क्यों नहीं थे, मैं आपको निजाम तैयार क्यों नहीं था, क्यों पिटाई होने के बाद माने हो, रिपोर्ट मालूम है पंडित सुंदरलाल कौन थे पता है, दांतों के भात भूत बातों से नहीं मानते, बिल्कुल ठीक है, मालूम है आपको, पता है रिपोर्ट में क्या लिखा है, होने लगी ना जब सेना ने अटैक किया, भारतीय सेना ने क्या लिखा दिखाई आपको, अरे तब जाके काबू आए, सुनो तब जाके काबू आए, रिपोर्ट में लिखा है दांतों के भूत भाइयों ने मुसलमानों से नहीं मानते, अमित शाह ये नहीं कह रहे थे आपको, अमित शाह तो ये लिखा है बता रहे आप लोग, यहाँ ये सच है, आप लोग यहाँ के पीछे क्यों खड़े रहते हो, फैला रहे हो, अरे आज मौका है, आरएसएस को आज करोड़ों दर्शक देख रहे हैं आदिति के, आज कह दो हमारा निजाम से कोई संबंध नहीं है, सवाल हमारी इंडिपेंडेंट पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से हम डर नहीं रहे हैं, चलिए ठीक है, संजीव बुनियाल जी रजिस्टर्ड सर, जवाब ले लीजिए, वारिस पठान से जवाब ले लीजिए, वारिस पठान कहाँ रजिस्ट्रेशन किया है आपने, आरएसएस को कहाँ रजिस्ट्रेशन किया है, वारिस पठान रजिस्ट्रेशन कहाँ किया है पहुंचा बताइए, आरएसएस को काय में रजिस्टर किया हुआ है, कह दो हिस्टोरिकल आरएसएस रजिस्टर्ड है नहीं है, आज बताइए मुझे कहाँ से फंड आता है, कहां से फंड आता है बताइए, रजिस्टर आप एक बात बताओ, अरे रजिस्टर है नहीं है बताओ ना, सवाल का जवाब नहीं है, अरे आरएसएस रजिस्टर है क्या नहीं है, जवाब दो, जवाब तो मैंने तुमको बोलने का मौका दिया ना, आप नहीं बोलने दूंगा, उतार चढ़ाव का दे दिया, बदतमीजी क्या करता रहा, बदतमीजी यहाँ नहीं दिखाएगा, शाखा में दिखाएगा, इधर नहीं, यक्ष प्रश्न है, निजाम 13 महीने तक हिंदुओं का नरसंहार करता रहा, ये यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब नहीं दे पाए, ये आप नहीं दे पाए, जिसका जवाब है ये जो आर्गुमेंट है ये बहुत ही एक सेकेंड संजीव बुनियाल जी, एक सेकेंड बेवकूफ की बात का जवाब देने में नहीं मानता, नहीं वारिस पठान, वारिस पठान ये आरएसएस के पीछे छिपकर आप कब तक निजाम का बचाव कर पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री तो आपके खिलाफ है, मैं कहां बचाव कर रहा हूं, मैं तो इनको सवाल कर रहा हूं, मगर ये बदतमीजी करने जा रहे थे मेरे को बोलने ना, ना, भाई ना, तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने में जल्दबाजी क्यों दिया जा रहा है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट अपमान जब इतिहास की जो तारीखें हैं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, अपमान किया आप ये बताइए ना, पोलो क्यों करना पड़ा, एक सेकंड संजीव बुनियाल जी प्लीज, मैंने आपको काफी वक्त दिया सर, ऐसा क्यों लिखा, काफी वक्त दिया प्लीज, आरएसएस रजिस्टर्ड है या नहीं जवाब नहीं दे रहे, आप सुनिए वारिस पठान, बात करूंगा बताइए, वारिस पठान आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब इनको, नहीं मुझे पता है मेरा नाम, मेरा पता है मुझे नाम, मैं बदतमीजी अगर इनको नहीं बोलूं तो मैं क्या बोलूं, आदिति जी बताइए, नहीं आपको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपसे सवाल पूछने वाला बदतमीज है, कमेटी का समझदार है, जनता को तय करने का जवाब नहीं दे रहे, नहीं आपको टिप्पणी करने की क्या जरूरत है, मैंने बात की जवाब नहीं दे रहे,
अरे मैं तो उनियाल से बात कर रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोले, आप आरएसएस के विचारक हो प्रचारक हो, नहीं ना उनियाल से बात वारिस पठान, आपको शायद कंफ्यूजन है, आपको शायद कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। इस मंच पर आने का और अपनी बात रखने का एक नियम है, संयमित तरीके से, मर्यादित तरीके से, निजी टीका टिप्पणी के बिना। सबके आप संजीव उनियाल से बात कीजिए, आप होम मिनिस्टर से बात कीजिए, आप प्रधानमंत्री से बात कीजिए, आपको जिससे बात करनी है आप उससे बात कीजिए, लेकिन मैं किससे बात करती हूँ उसे कहते हैं देश की जनता जी और हमारे व्यूअर्स, मैं उनसे बात करती हूँ। तो इस डिबेट में डेकोरम मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी है। शायद आपको कंफ्यूजन होगी, मुझे कंफ्यूजन नहीं है। आप सवाल का जवाब दीजिए, आपका आप सुन लीजिए सवाल का जवाब दीजिए। 15 अगस्त 1947 से लेकर सितंबर 1948 के बीच हैदराबाद के निजाम, जिन्हें आप दानवीर बता रहे हैं, क्या योगदान उनका रहा भारत के लिए? मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए, मैं भी जो बोल रहा हूँ अपनी बात रखूंगा, अपनी मर्जी से रखूंगा। 47 से लेकर 48 तक आरएसएस कहाँ था बता दो मेरे को, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे तो आपको जवाब मिल जाएगा। मैं भी अपनी बात पे लड़ा हुआ, और आपका व्यूवर सिर्फ आरएसएस वाले नहीं है, आपके व्यूवर सारे देश देख रहा है। आपको ये कहां से समझ में आया कि मेरे व्यूअर्स कौन है? पूरे देश की जनता की नहीं, नहीं, आपको ये कहां से समझ में आया कि मेरे व्यूअर्स कौन है? आपने बताया ना कि मैं मेरी बात रखूंगी, मैं आरएसएस को टारगेट किया और ना मैं डरती हूं किसी से, बिल्कुल रखूंगी, इसके बारे में मैं बोलूंगा, बिल्कुल रखूंगी, निजी हम लोग से नहीं डरती, आरएसएस के बारे में नहीं डरती मैं, निजी आरएसएस ने ठीक है हमारे, बिल्कुल नहीं डरती हूँ। अब सुनिए ध्यान से, आई रिपीट माय क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948 कहां थे हैदराबाद के निजाम भारत की डेवलपमेंट के योगदान में, अखंड भारत की तरफ बढ़ाने में भारत को? अच्छा, जवाब दे रहा हूं, हाँ दीजिए। 15 अगस्त 1947 से लेकर सितंबर 1948 तक आरएसएस कहां था? जो आज हमको सर्टिफिकेट बांट रहा है वो कहां थे? जो नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म के सर्टिफिकेट हमको बांट रहे वो कहां थे? 1947 की आजादी के पहले तो हमने हमारी जानें गंवा दी, हमारे तो लोग शहीद हो गए, लाशें लटकी हुई थी झाड़ों के ऊपर। आज इंडिया गेट पे आप जाके नाम देख लीजिए, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी फहरिस्त, इनका एक दो नाम बता दीजिए मुझे, वहां पे आजादी की डिबेट को कहां ले जा रहे हैं? मैं मान जाऊंगा इनकी, आप इस डिबेट को मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं मेरी बात रखूंगा, ना ना मैं मेरी बात, इस डिबेट को मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं निजाम मुसलमानों का प्रतीक है? नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं मुझसे कि मुसलमानों के जो मसीहा है वो निजाम थे, देश के वासी है? ना ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुसलमान भी देश के वासी है, इस देश के मुसलमान ने तो कॉल ले ली थी, हम इस देश के मुसलमान ने तो कॉल ले ली थी, आप निजाम से कहां उसकी तुलना कर रहे हैं भाई? आप निजाम से कहां उसकी तुलना कर रहे हैं? ये कौन सा कंपैरिजन आप कर रहे हैं? मैं आहत महसूस कर रही हूँ ये सुनने के बाद। मैं तो तुलना कर रही हूँ, सोच लीजिए मुसलमान कैसा महसूस कर रहे हैं, उसे तो वो कॉल बहुत पहले ले ली थी और भारत को चुन लिया था। निजाम तो 13 महीने है, मैं आपसे पूछ रही हूँ उनकी देशभक्ति के सबूत, एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, आप जाकर बता रहा है 6 टन खजाना दे दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, जैसे खजाना उनका अपना निजी था। तो 1964 के अंदर जब निजाम, हाँ पहले 1964 बाद में आता है सर, पहले आ जाइए 1947 से 1948 के बीच, सवाल बहुत मुश्किल है क्या? ये आरएसएस कहां थे? आरएसएस ने क्या दिया देश के लिए? इसीलिए बार बार उठाया, इसीलिए बार बार उठाया क्योंकि राजनीति को एक्सपोज करने के लिए सवाल जरूरी है। अजय आलोक सर्टिफिकेट, अजय आलोक मैं नहीं दूंगा आपके सवाल का जवाब, कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, जनता समझ जाएगी, ये सवाल मैं जनता के लिए पूछ रही हूँ, अपने लिए नहीं, कोई बात सवाल का जवाब, कोई बात नहीं, जनता के लिए पूछ रही हूँ, जनता समझ जाएगी। अजय आलोक पहले सवाल पूछ रहा हूँ, जनता का सवाल है, लेकिन आदित्य त्यागी अजय आलोक 1945 से वरिष्ठ पठान सुनिए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। अदिति त्यागी सवाल का जवाब देंगी, किसके लिए सवाल का जवाब देंगी? अदिति त्यागी किसे रिप्रेजेंट करती है? AIIMIM को, बीजेपी को, आरएसएस को, किसको रिप्रेजेंट करती है अदिति त्यागी? जनता को, और जो जनता का सवाल है वो अदिति त्यागी पूछती है, और जनता के लिए ही अदिति त्यागी की अकाउंटेबिलिटी है। आप अपनी पार्टी के लिए अकाउंटेबल बनिए प्लीज, तो आप जवाब दो अजय आलोक जी, जनता को, हाँ जनता को तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, जनता का आप जवाब नहीं दे पा रहे, जनता को जवाब नहीं दे पा रहे आप, कोई बात नहीं, अजय आलोक, अजय आलोक की आवाज प्लीज। आप अदिति जी ये जवाब नहीं देंगे, ये इसलिए जवाब नहीं देंगे क्योंकि आज से कुछ दिन पहले जब इन्होंने गणपति बप्पा मोरया बोला था ना, तो उसके बाद इनको बहुत सारी माफी मांगनी पड़ी थी, इनसे कसम वसम खिलवाई गई थी, जमजम का पानी वगैरह पी के इन्होंने कसम खाया था कि अब दोबारा कभी ठीक बात नहीं बोलूंगा। 1945 से 1948 में आरएसएस अपने तमाम हिंदूवादी और भारत की मदद कर रहा था,
क्योंकि हिंदुओं को नरसंहार किया था पाकिस्तान से आने में, बांग्लादेश से आने में, और आरएसएस उनकी मदद कर रहा था, और आप और आपके आका रजाकारों की मदद कर रहे थे हिंदुओं को मारने में 1947 से 48 के बीच में। सच्चाई यही है, बोलिए मानते हैं कि नहीं मानते हैं। पाकिस्तान से जो भर भर के ट्रेन आई थी लाशें हिंदुओं को काट काट के, वो उनको बचाने की कोशिश आरएसएस कर रहा था, और आप लोग यहीं पर रह के मार रहे थे हैदराबाद में 47 से 48 के बीच में। अगर इस पर शर्म आती है तो माफी मांग लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एक बार तो आपको भारतीय सेना ने रजाकारों को सुधार दिया था, अब भारत की जनता बाकी जो छिपे हुए रजाकार हैं उनको सुधार देगी। ये कांग्रेसी रजाकार, ये कम्युनिस्ट रजाकार, और उस वक्त भी रजाकारों की मेन पार्टी AIMIM ही थी, याद होगा आपको, याद होगा ना, मैंने आपको आपको हैदराबाद के इतिहास से ही परिचित करवा रहा हूं। आपको आप मुंबई में रहे ना, चले गए आप मुंबई में रहे ना, आप गणपति बप्पा मोरया बोलते हैं, आपको पता नहीं है रजाकार कितने खतरनाक। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिमोरलाइज मत हुई है, और जिसका डिमोरलाइज मत हुई है, गणपति बप्पा मोरया बोलना अच्छी बात है, बताइए उसे मन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके चले गए पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव मत हुई है, चले गए भाई नेगेटिव। आप बताओ, बहुत अच्छे मित्र, आप दो चीज के सवाल का जवाब दो, जैसे नहीं हो लेकिन आपको बोलना बात कर रहे हो क्योंकि आप उसी पार्टी के सवाल कर रहा हूं आपसे, बताइए आपने अजय आलोक, आपने 52 साल तक हमारा तिरंगे का अपमान क्यों किया अजय आलोक, बताइए मुझे, और अजय आलोक सबके सामने बोल दीजिए अपमान किसने किया, अपमान अपने मन से अपमान बना दिया, पहला आतंकवादी था, अरे अपने मन से अपमान बना दिया, वो क्यों अपमान किया, अभी आपकी रैली में, अभी आपकी रैली में आप पे केस भी दर्ज हुए, 10 केस आपकी पार्टी में, आपकी रैली में आप पे चक्र की जगह कुरान की इनायतें लिख दी थी तिरंगे में, वो होने दो, एक मिनट, आप ही की रैली में हुआ नहीं है, केस दर्ज हुआ ना है इन पे, उसका जवाब दे दीजिए, तिरंगे का अपमान कौन कर रहा है, चलते थे चलते चलते रहेंगे, अब एक सुर में बोलते रहिए तो काम तो नहीं चलेगा ना, सुनना पड़ेगा, आप लोगों ने किया है, हमारे तो दिल हैदराबाद में आप ही की रैली में तिरंगे पे अशोक चक्र हटा के कुरान की आयतें लिख दी गई, शान तिरंगा है, केस भी हुआ है आपके लिए, जवाब देना होगा, 52 साल तक तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा अपमान करते हैं आप लोग, आपके लिए भगवा कलर शुभ था, आपने 52 साल तिरंगे का अपमान किया, अरे आप तो इस देश को देशी मानने वाले लोग ब्रिटिशरों की क्या सिखाएंगे, तलवे चाट रहे थे, एक सेकंड आपके पास ना ऐतिहासिक तथ्य है ना कुछ, वारिस पठान बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, सवाल का जवाब, ये 15 मिनट पुलिस छोड़ दो, कौन कह रहा था, बोलो महात्मा गांधी का कातिल, अभी एक माफीनामे का जिक्र किया अजय आलोक ने, बोलिए माफी किसे मांगनी पड़ी, सावरकर कर सावरकर मांग रहे थे चार बार, कौन जाकर जलसों में कहता है, हमारी जाने गंवा रहे थे, शहीद हो रहे थे, देश की आजादी के लिए जंग लड़ रहे थे, कि मुसलमानों अपना नेता छोड़ो, माफी मांग रहे थे, कौन कहता है, कौन ये कहता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक तरफ आप ये कहते हैं नहीं हम मुसलमानों की आवाज नहीं है, हम नहीं कहते हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये क्लेम ही मैंने ये नहीं बोला, फिर आप ये कैसे बोलते हैं कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है वारिस पठान, बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, एक तरफ आप तिरंगा कह रहे हैं और फिर मैं स्टेटमेंट भी सोच पा रही हूँ कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो ना, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं वो भी सोच पा रही हूँ ना, 15 मिनट के लिए पुलिस कौन हटवा रहा था, क्यों क्यों मुसलमानों की हक की बात करना, ना ना जो आपसे सवाल पूछ रहे हो सवाल से ना भागिए, मुझे पता है अभी तक आप 15 अगस्त 1947 के संविधान पर 1948 का जवाब नहीं सोच पाए हैं, ये 15 मिनट पुलिस हटाने वाले वो कौन थे, बताइए मैं जवाब क्यों दूं आपको, नहीं मैं जवाब क्योंकि जवाब है नहीं, मेरे सवाल का आप जवाब क्योंकि नहीं, जवाब है नहीं, अपनी बात रखूंगा, एग्जैक्टली पॉइंट ये है, जो तिरंगे की दुहाई दे रहे थे वारिस पठान, अभी 4 सेंटेंस पहले 4 वाक्य बोले होंगे वारिस पठान ने तिरंगे की शान में, आपके और 4 सेंटेंस बाद वो ये नहीं कह पा रहे कि 15 मिनट पुलिस हटाने वाले कौन थे, सबक सिखाने की बात करने वाले कौन थे, आप बोलने नहीं देंगे क्योंकि नहीं नहीं आप इतनी देर से बोलकर ये कह रहे हैं, मैं तो सवाल का जवाब दूंगा नहीं, जब आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं सवाल और पूछूंगी फिर आपसे, क्योंकि अब आपको सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन है आपके स्टैंड में ना सर, जब जब विरोधाभास होगा तो सवाल उठेंगे, चलिए मौलाना कादरी से पूछ लेती हूँ, मौलाना कादरी ये इतिहास में क्यों ले जा रहे हैं लड़ाई, असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी इतिहास में जाकर क्यों लड़ना चाहते हैं, अरे बताए तो सही, आदित्य त्यागी कुछ भी, अरे आदित्य त्यागी को सर छोड़ दीजिए, आदित्य त्यागी से वोट नहीं मिलते हैं, आदित्य त्यागी से वोट नहीं मिल पाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई बात नहीं,
सुनिए तो सही। चले मौलाना कादरी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजीव उनियाल, यहाँ पर सवाल ये भी है कि बीजेपी अतीत में जाकर क्यों लड़ना चाहती है? दीदी, बीजेपी के लोग बता पाएंगे इसके बारे में तो, परंतु मुझे लगता है कि अमित शाह जी की स्टेटमेंट को अगर देखे हो तो आज करोड़ों दर्शकों का एंथुसियाज्म यही है कि वो कल्प्रिट जब बिल्कुल घेरे में आ गए तो आप उनको हिस्टोरिकल रॉन्ग को ठीक करने का अच्छा मौका है, इस टाइम बहुत अच्छा मौका है हमारे पास, एमआईएम के पास। आप कहिए ना, हाँ उन 13 महीनों में निजाम से बहुत भारी गलती हुई, जिस भारतवर्ष में इतनी इज्जतदार तरीके से आपको सम्मान दिया जाता है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतने बड़े चैनल पर आकर कभी भी गाली गलौज कर देते हैं, कभी भी आरएसएस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं झूठ बोल के, कभी कहते 20-80 का रेशियो, कभी कहते 15 मिनट की पुलिस हमको दे दीजिए, कभी आप कहते हैं कि, और नाम ही आपका देख लिए, मुस्लिम्स के लिए लगातार मुद्दे है ही, IMIM, हम मुस्लिमों के लिए ही खड़े रहेंगे सिर्फ, इस तरह की पार्टी का गठन करने का एकाधिकार ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। तो आज आप मान लीजिए ना कि हाँ कहीं ना कहीं हमसे हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ था, उन 13 महीनों में नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, निजाम ने कहीं ना कहीं गलत किया था। तो आपको लगता है कि इतिहास को हाईलाइट किए बिना मौजूदा दौर में लड़ाई नहीं की जा सकती है, राजनीतिक सियासी रण नहीं किया जा सकता, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री से आप बच सकते हैं क्या? मेरे पिता कौन थे, क्या मैं उससे बच सकता हूं? मेरे पिता के पिता कौन थे, मैं उससे बच सकता हूं? मैं किस गांव से बिलोंग करता हूं, बच सकता हूं? हिस्ट्री से आप आगे बढ़ सकते हैं, अतीत उसको गुलामे में नहीं रख सकते हैं, भविष्यमुखी भी तो होना पड़ेगा, भविष्यमुखी भी तो होना पड़ेगा, अतीत मुखी कब तक रहेंगे, मेरा सवाल ये है। चलिए एक जवाब लीजिए, ज़बाय आसमीन काउंटर करना चाह रही है, उनसे ले लीजिए जवाब। देखिए अदिति जी, अभी आप मुद्दे पे आ गई कि कब तक हम अतीत में रहेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा मुद्दे पे ही रहती हूँ, आप अपनी बात रखें। देखिए, हम अपनी बात पे शुरू से ही हैं कि जो मुद्दा आज 40-45 मिनट डिस्कस हुआ, ये जनता का मुद्दा है ही नहीं। एक गेम चल रहा है देश में जिसकी बॉल कभी बीजेपी के कोर्ट में होती है, कभी ओवैसी के कोर्ट में होती है, कभी आरएसएस के कोर्ट में चली जाती है। जब इनके पास प्रेजेंट में कुछ अच्छा बताने को नहीं है तो ये अतीत को लेके आपस में लड़ रहे हैं। पिछले 45 साल से हम किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच के, जो कि हम जनहित में बात कर सकते थे, ना बात करके हम अभी भी इतिहास पे ही बैठे हैं। जब भी हिस्ट्री को डिस्कस करना हो, मेरी राय है कि कृपया पीएचडी किए हुए लोगों को ही बिठाएं जिन्होंने हिस्ट्री में पीएचडी कर रखा हो, क्योंकि हम आप इतने ज्ञान नहीं है हिस्ट्री का कि यहाँ बैठ के हिस्ट्री को बदले। हिस्ट्री जो था वो दर्ज हो चुका है, अब यहाँ डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा जबा जी, आपके हिसाब से 15 अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के बीच आपने जो हिस्ट्री पढ़ी उसमें क्या लिखा है, क्या हुआ हैदराबाद में? मैं तो पूरे देश की बात बता सकती हूँ। कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, किसी भी समुदाय का आदमी नहीं बचा जिसने देश की आजादी के लिए काम ना किया हो। आप मुझे मुद्दे से नहीं भटका सकती हैं। इस समय देश के लिए इंपॉर्टेंट इस बहस का एक मुद्दा है। ना ना, मैं मुद्दे से भटकाने की मुझे जरूरत नहीं है। जब जवाब नहीं होता गेस्ट के पास तो वो अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा जब इतिहास की बात करें तो आप पीएचडी स्कॉलर को बुला लें। भाई मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 15 अगस्त 1947, आपको लगा कि यहाँ पर इतिहास को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया तो आपके पास ज्यादा जानकारी होगी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि 15 अगस्त 1947। अब या तो मैं बोलूं या तो फिर आप बोल लें। आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, ये डिस्कशन में जनता के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। आपके पास जाहिर तौर पर ज्यादा जानकारी होगी जब आप ये कह रही पीएचडी स्कॉलर को बुला लेते हैं, तो आप वो जानकारी शेयर कर लीजिए ज़ेबा जी, जो आपके हिसाब से हिस्ट्री कहती हो 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948, ऑपरेशन पोलो, उस दौरान जातियां, अत्याचार, मैसेकर, वो सब आप मुझे बता दीजिए। अदिति जी, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, अगर बीजेपी आपको किसी हिस्ट्री में ले जाए या आरएसएस या ओएसी ले जाए, कम से कम आप तो जनहित का टॉपिक पे बात किया करिए। आज देश एक बेरोजगारी और महंगाई से झूंझ रहा है, उस पर कोई मुद्दे नहीं होते। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपको टॉपिक बताया गया था, एक सेकंड मैम, आप मुझे पढ़ा रही हैं, आप मुझे एक बात बताएं, मैंने अपना टॉपिक चूज किया, आपको ये टॉपिक बताया गया था ज़ेबा जी या नहीं बताया गया था? पहले मैम, लेट्स टॉक फैक्ट्स विद मी, यू टॉक फैक्ट्स। आपको टॉपिक बताया गया था, आपको महंगाई बताई गई थी, बेरोजगारी बताई गई थी, या जो पॉलिटिकल न्यूज है ये बताई गई थी? पहले मैम आप इतना क्लियर करें मुझे। और यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति के मुंह से मैंने जनहित की बात नहीं सुनी। नहीं मैम, आपने नहीं सुनी तो आप एक मुद्दे पर बहस करने आई हैं मैम, और वो मुद्दा आपको बताया गया था। अगर आप बहस के दौरान ये दिखाने की कोशिश करेंगी कि इस मुद्दे पर आप बात ही नहीं करना चाहती मैम, तो वो आपकी दिक्कत है। यू कुड हैव सेड नो।
यू ऑलवेज हैव द चॉइस टू नॉट टू ज्वाइन सच डिस्कशंस प्लीज पत्रकारिता मत पढ़ाइए मैम पत्रकारिता मत पढ़ाइए हर मुद्दे पर बहस करती हूँ मैं और हर मुद्दे पर जानकारी रखती हूँ ठीक है आप अगर मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती तो आपकी मर्जी है लेकिन आप पढ़ाइए नहीं प्लीज जनता को राजनीति बहुत पढ़ाती है बहुत पढ़ाती है लेकिन जनता फिर भी समझदार है सब समझ जाती है फिर भी सब समझ जाती है यहाँ पर एक सवाल जो अजय आलोक जी ये कह रही हैं कि बीजेपी और एआईएमआईएम पास पास खेलते हैं ये आपस में बीजेपी एआईएमआईएम और आरएसएस ये तीनों पास पास खेलते हैं देखिए इनकी समस्या दूसरी है इनकी समस्या है कि एआईएमएम को ये अपना दुश्मन इसलिए मानते हैं क्योंकि मुसलमानों के वोट पे ये भी अपना एकाधिकार मानते हैं और उसमें उनको लगता है कि एआईएमएम आके डेंट करेगा और आरएसएस को गाली देने से इनके स्वाभाविक इनको लगता है कि मुसलमान खुश होकर बीजेपी को गाली देके मुसलमान खुश होकर इन्हीं को वोट देंगे और उसमें सबसे बड़े दुश्मन हो वैसे इनको लगता है लेकिन जरा मुझे बताएंगी क्या ये सही नहीं है कि हम इतिहास की गलतियों से सीख कर आज वर्तमान में अच्छा काम करें तब हमारा भविष्य जाके सुरक्षित होगा आज मेरी उम्र 48 साल की हो गई है इनकी भी उम्र 35-36 की जरूर होगी क्यों पिछले 50 साल में जो इतिहास हमें बताया गया वही इतिहास था तो फिर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आज जहां लगी है कर्तव्य पथ पे पहले क्यों नहीं लगा दी गई थी क्यों हमें सुभाष चंद्र बोस का इतिहास नहीं पढ़ा क्यों हम ये नहीं कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे क्योंकि अंडमान निकोबार उन्होंने कैप्चर कर लिया था एक मिनट सुनिए इतिहास अपने हिसाब से लोगों ने मरोड़ के पढ़ाया है ये गलती है इसको ठीक करना जरूरी है तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा और इतिहास को जो अपने भूल जाता है ना उसका कोई अस्तित्व उसका कोई वजूद नहीं रहता इसलिए अपने इतिहास को आप मत भूलिए कि आप उस पार्टी को बिलोंग करती हैं आप उस पार्टी को बिलोंग करती हैं जिसके नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बाबरी मस्जिद बचाने के लिए अगर 10,000 हिंदुओं को और मारना पड़ता तो मैं मरवा देता ये इतिहास याद रखिए ये इतिहास हम नहीं भूलते हैं इसको आज ठीक करने की जरूरत है तभी जाके भविष्य सुरक्षित रहेगा आप सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं आप सब आप कांग्रेस पार्टी एआईएमएम ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिनको देश निर्माण से कोई मतलब नहीं है जिनको अपने वोट का सुख दिखता है लेकिन अब ये देश की जनता समझ रही है आपका चरित्र समझ चुकी है इसीलिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है और इतिहास की गलतियों को भी ठीक करना जरूरी है पास पास खेलने का काम आपका है इतिहास जानने के लिए आरएसएस भाजपा की मदद नहीं चाहिए लेकिन हम इतिहास तो ठीक कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास हम ठीक कर रहे हैं Who has certified you वो इतिहास ठीक करना भी जरूरी है Who has certified you to correct the history? We are not correcting the history. We are just telling the history in its true form. You have modified the history according to your own way. Not you, Congress party. They have done the history. They wanted the history according to their way. अजय आलोक जी, मेरा एक सवाल है सर. ज़ेबा यास्मीन, उनकी पार्टी क्या जो भी वोट बैंक को लेकर इतिहास रहा हो. मेरा सवाल जो मैंने थोड़ी देर पहले संजीव जी से भी पूछा था कि वो लाइन कहाँ है जहां हम अतीत मुखी होना छोड़कर फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाएंगे. वो लाइन कहाँ है सियासत में, वो लाइन कहाँ. एक मिनट आदिति जी, ये लाइन कभी होगी भी नहीं क्योंकि जो अपने अतीत को भूलता है वो वर्तमान में ठीक काम नहीं करेगा, कभी भी फ्यूचर मुखी बातें कर ही नहीं सकता है. अतीत की गलतियों से सीखते हुए वर्तमान में ठीक काम करेंगे तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा और आज वही देश कर रहा है. नहीं लेकिन अजय जी, लगातार डर की राजनीति, खौफ की राजनीति, नकारात्मक राजनीति में कब तक इस राजनीति से देश आगे बढ़ेगा. अरे किसको खौफ है आदिति जी, खौफ कहाँ है, किसको खौफ है. खौफ में तो हम लोग हैं, आप हैं, इन लोगों को खौफ कहाँ है. भरे मन से कहते हैं कि 15-20% तुम, 80 करोड़ तुम, 20 करोड़ हम, पुलिस हटा दो. आप कहती है खौफ में. एक मिनट, ये लोग खौफ में. मैं राजनीति की बात कर रही हूँ अजय आलोक जी. ये खौफ ज्यादा करना चाहते हैं. मैं नैरेटिव की बात कर रही हूँ अजय जी. मैं राजनीति के नैरेटिव की बात कर रही हूँ. उसमें मैं हर राइट लेफ्ट सेंटर हर किसी की बात कर रही हूँ. सब अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं. सब अपने अपने हिसाब से डर भी दिखा रहे हैं. मैं उस राजनीति की बात कर रही हूँ. ज़ेबा यास्मीन और उसके बाद अजय आलोक, जल्दी जल्दी प्लीज. राजनीति देखिए, पहले तो अजय जी ने भी कहा कि इन लोगों से किसको संबोधित कर रहे हैं मुझे पता नहीं. दूसरी बात, जब से मैं यहाँ सुन रही हूँ, अजय जी राजनीतिक विश्लेषक जरूर हैं लेकिन उनके आने के बाद ना भाजपा प्रवक्ता की जरूरत है और ना आरएसएस विचारक की जरूरत है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है जो वो बैठ के यहाँ पे विपक्ष को उल्टा सीधा हमले करने की जरूरत नहीं है. आप तार्किक तौर पर उन्हें जवाब दे सकती हैं. उनके जो सवाल हैं
उन सवालों के जवाब दे सकती है, सर्टिफिकेट देने का काम कर रही है, ये डिबेट में जवाब थोड़ी दे रही है आपने, आप तो ये उन्हें सर्टिफिकेट दे रही है मैम, सर्टिफिकेट देने में और तार्किक जवाब देने में अंतर होता है। चलिए अजय आलोक जी आपका जवाब। अजय आलोक जी से हिस्ट्री पढ़ने की हमें, मेरा एक ही जवाब है, भविष्य अतीत की गलतियों को भूलकर आज वर्तमान में उनका ठीक होना जरूरी है, आज इसीलिए 370 हटी, आज इसीलिए राम मंदिर बन रहा है, आज इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, और आज देश एक सही दिशा में जा रहा है जहां पे क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या जैन आज एक ट्रू सेंस में एक संपूर्ण भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम उन पार्टियों की तरह बात नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण कर करके, बहुसंख्यकों की भावना का अनादर करके, जैनों की भावना का अनादर करके, सिखों का नरसंहार करके इस देश में पावर में रहती थी, वैसे वैसा कल्चर इस देश को नहीं चाहिए, तो देश की जो शांति है वैसा कल्चर नहीं चाहिए, सिखों का नरसंहार नहीं चाहिए, जैनों को भगाना नहीं चाहिए, हिंदुओं को भगाना नहीं चाहिए, सब एक जगह मिल के रहें, और इसके लिए जरूरी है कि सबको लगे कि हम बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है, जो आज तक इस देश में फीलिंग बैठाई थी हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर आके हम जनहित पे बात करें, हिस्ट्री बहुत पढ़ ली है, हिस्ट्री से सीख लिया है, आगे बढ़ने का समय आ गया है। सिर्फ एक बात कहूंगा, इसमें मुझे लगता है चाणक्य का वो श्लोक अदिति बिल्कुल चरितार्थ होता है आपके प्रश्न पर, कली श्यानो भवती संजिहानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठाम त्रेता भवती कृतम संपद्यते चरण चरैवेती चरैवेती। अगर आपको लगातार चलना है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है और इस देश को पांचवी इकोनॉमी बनानी है, तो आपको अपने सोए हुए काल से सीख के चलते हुए द्वापर से करते और लगातार आगे बढ़ते रहने से ही उस चरम सीमा को आप पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है यही सार होगा आज की पूरी की पूरी जो है रचना जो आपने बनाई थी, जहां से लोग भाग भी गए, जहां लोग डिफेंसिव भी हो रहे, अटैकिंग भी हो रहे, लेकिन वर्तमान की बात भी हो, क्योंकि वर्तमान जो है वो आपके फ्यूचर की बुनियाद, चरैवेती चरैवेती, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और टाइम के लिए कहा जाता है कि उसकी कीमत नहीं तय की जा सकती, इसलिए आज के वक्त को गवाया नहीं जा सकता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।